हेलो स्टूडेंट्स आई एम दिव्या कश्यप एंड एज यू ऑल नो आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी एंड वी आर डूइंग अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स अब देखिए अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है आप बहुत ईजिली कर लोगे कोई इतनी हार्ड एंड फाइव प्रॉपर्टीज़ नहीं है इसकी ठीक है अब देखिए फिनोल्स की हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल्स अब देखिए अल्कोहल के अंदर भी आपने एसिडिक करेक्टर पढ़ा था क्योंकि आपको पता है अल्कोहल के अंदर जब अल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा था तो वो हमें रिवील कर रहा था कि अल्कोहल्स के अंदर एसिडिक करेक्टर होता है तो सिमिलरली अगर हम फिनोल्स की बात करते हैं तो फिनोल्स के अंदर भी एसिडिक करेक्टर होता है दैट मीन्स अगर आप ऐसे फिनोल बना लो तो इसका मतलब फिनोल भी इस तरीके से ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव में टूट सकता है अब यहाँ पे तो इसको बुला दिया अल्कोक्साइड आयन तो ये क्या होगा दिस इज कॉल्ड एज फिनोक्साइड आयन इसको हम क्या बुलाते हैं फिनोक्साइड आयन अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है ना तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी एसिडिक करेक्टर प्रेजेंट है अब अगर हम इसके एसेडिक करेक्टर को पहले हम वन बाई वन एक एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं तो इसीलिए अब सबसे पहले मैं आपको एसिडिक करेक्टर के बारे में ही अच्छे से एक्सप्लेन करने लगी हूँ अब देखिए एसिडिक करेक्टर इसका मतलब जो एच पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है इसका मतलब इसमें एसिडिक करेक्टर तो डेफिनेटली प्रेजेंट है अब क्वेश्चन uh, ये है कि एसिडिक ज़्यादा है या एसिडिक नॉर्मल से थोड़ा कम है तो देखिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब जो एस करेक्टर है वो थर्टी थ्री परसेंट है और जो पी करेक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी सेवन परसेंट है अब इस वजह से यहाँ पे जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अब अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींचेगा अब अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है वो उतनी तो नहीं रहेगी रहेगी ना तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन आयन का रिलीज है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पर ऐसा नहीं है कि ये एसिडिक नहीं है ये रिएक्शन शो नहीं करता जहां पे एच पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है ये करता है ऐसे रिएक्शन शो पर जो एसिडिक करेक्टर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को अपने से हाइड्रोजन को दूर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन एस आ रही है हमारे पास ठीक है तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि एसिडिक तो है लेकिन जो एच एंस का रिलीज है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी से होता है और क्या रीजन है वो आप समझ चुके हो अब कंपेयर कर लेते हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से अब देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करती हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फिनोल अब देखिए क्या कारण है फिनोल के पास अगर हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो फिनोल आपको पता है कि ब्रेक होके क्या देता है फिनोक्साइड आयन देता है ना फिनोल आपको क्या रिलीज करता है फिनोक्साइड आयन और प्लस एच पॉजिटिव तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स बना लेती हूँ यहाँ पे तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं हम पहले तो ये आपके पास फिनोक्साइड आयन है अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा इस तरह से ये बॉन्ड डबल हो जाएगा है ना अब चार्ज डिस्पर्स होता रहेगा अलग अलग पोजीशंस पे और ये आपके पास बन गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है तो इसका मतलब जो हमारे पास ये फिनोक्साइड है उसका जो स्टेबलाइजेशन है वो हम रेजोनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अब यहाँ पे जो चार्ज डिस्पर्स हो रहा है वो एक नेगेटिव चार्ज है ओनली वन नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग डिस्पर्स लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन के पास दो नेगेटिव चार्जेस है मतलब हर एक ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज है तो टोटल तो क्या हो गया दो नेगेटिव चार्जेस हो गए तो क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल ठीक है अब अगर मैं इसका कंपेरिजन अल्कोहल के साथ कर लेती हूँ अब हम देखते हैं कि अल्कोहल और फिनोल में से कौन ज्यादा एसिडिक है तो हमने देखा अल्कोहल और फिनोल में से फिनोल ही ज्यादा एसिडिक है रीजन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीजन है अब देखिए अगर फिनोल फिनोल की बात कर लेते हैं पहले फिनोल अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो वो बनाएगा फिनोक्साइड आयन ठीक है और ये आ गया आपका एच पॉजिटिव और अगर अल्कोहल करेगा तो वो बनाएगा अल्कोक्साइड आयन और एच पॉजिटिव ठीक है अब यहाँ पर अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें तो कैसे हमें पता लगता है कौन ज़्यादा एसिडिक है अगर ये जो आयन बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है सिमिलरली आर ओ एच और आर ओ नेगेटिव में से अगर आर ओ नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी तो हम रेजोनेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए पर ऐसा जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो यहाँ पे पॉसिबल अल्कोहल्स में नहीं है तो इसका मतलब है कि जो फिनोल है वो हमारा ज्यादा एसिडिक है तो एक तो कारण हो गया कि स्टेबलाइजेशन का जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है क्यों क्योंकि वहां पे जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस के बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है वहां पे लेकिन अल्कोहल्स में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा और अगर दूसरा रीज़न डिस्कस करें तो देखिए जो फिनोल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन है एस और अल्कोहल्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या है एस तो एक ये भी हमारे पास फीचर है जो हमें बताता है कि जो फिनोल है दैट इज़ मोर एसिडिक इफ वी कंपेयर इट विद अल्कोहल्स तो आपको समझ आ गया तो इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं फिनोल और फिनोक्साइड इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो फिनोक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल है ठीक है तो ऐसा क्यों नहीं है कि फिनोल क्यों नहीं ज्यादा स्टेबल क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना कि फिनोल और फिनोक्साइड में से फिनोक्साइड ही क्यों ज्यादा स्टेबल है जबकि उसकी स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हो फिनोल्स की भी तो फिनोल में भी तो रेजोनेंस पॉसिबल है बनाते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ढूंढते हैं अपना आंसर अब देखिए आपने फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं आप ये आपके पास हो गया फिनोल अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब आप बनाओगे तो हमें बताइए बॉन्ड क्या हो जाएगा डबल लेकिन यहाँ पे आपके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये होगा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए ना आपने तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बन जाएंगे ऐसे ये तो आते हैं ना आपको बनाने फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी हो तो आप प्लस वन की वीडियोस देख सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब देखिए इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ कंपेयर करें तो आप देखिए आपको कौन से ज्यादा स्टेबलाइज लग रहा है ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबलाइज है क्यों क्योंकि इसमें आपको एक ही चार्ज देखने को मिल रहा है और वहां पे चार्जेस क्या है दो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इस वजह से जो फिनॉक्साइड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फिनोल दैट इज वाई जो रिएक्शंस है ये शो करता है और तभी आपको काफ़ी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं तो कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट उससे पहले एक और बात डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ अब देखिए ये तो क्लियर हो गया ना कि ये एसेड ए करेक्टर शो करता है अब अगर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे डिस्पर्स हो रहा है तो इसका मतलब अगर हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता हो तो आप बताओ एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा फिनोल का या कम होगा ऑब्वियसली बढ़ेगा ना क्योंकि नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को की इंटेंसिटी को और बढ़ा देगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक एसिडिकेखता इंक्रीज कर देगा तो क्योंकि उस केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस बेसिस पे कुछ रिएक्शंस देखते हैं लेट्स से फर्स्ट रिएक्शन करते हैं जहाँ पे हम इसको रिएक्ट करते हैं विथ जिंक तो ये हो गया फिनोल आपके पास आप अपनी कॉपीज में साथ साथ रिएक्शंस करिए करना मुश्किल नहीं है आपको आता है आप काफ़ी तो आपके पास जब आप फिनोल को जिंक के साथ रिएक्ट करोगे वी विल गेट बेंजीन और जो Zn है दैट इज़ रिलीज एज जेडन ओ मतलब आपके पास यह बन गया बेंजीन और जिंक ऑक्साइड दूसरा रिएक्शन कर लेते हैं रिएक्शन विद अमोनिया फिनोल को आप अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो यहां पे भी आपके पास क्या होगा इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनलीन आपके पास एनलीन बन जाएगा लिख देते हैं यार नाम ताकि आपको याद रहे वी विल गेट एनलीन अब अगर मैं इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करूं क्या होता है एसिटाइलेशन एसाइल ग्रुप ऐड करना तो इसमें एच इज गोइंग टू बी सब्सिट्यूटेड बाय एसाइल ग्रुप तो यहां पे मैं ले लेती हूं सी एच थ्री सी ओ सी एल ठीक है तो क्या होगा हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ अगेन जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस एंड वी विल गेट दिस एज मेन प्रोडक्ट क्या नाम है इसका ये आपको दिख रहा है इसमें दो ओ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इथर बन रहा है सॉरी एस्टर बन रहा है तो इसका नाम क्या होगा फिनाइल और ये आपके पास हो गया इथनोएट सो दिस इज फिनाइल इथनोइड। इसको आप फर्दर भी रीअरेंज कर सकते हो यू कैन कैरी ऑन द फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन मतलब एसिटाइलेशन के बाद अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहो तो आपको क्या मिल जाएगा इट विल गेट समहा रीअरेंज और ये रियरेंजमेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है थोड़ा सा हीट भी करना पड़ता है वी विल गेट दिस कंपाउंड विच इज ऑर्थोहाइड्रॉक्सी एसिटोफिन ऑर्थो पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया ऑर्थो ऑर्थोहाइड्रोक्सी एंड दिस इज एसिटो फिन ठीक है ऐसे ही इसमें इसी रिएक्शन के बेस पे हमारे पास एक नेम रिएक्शन है आपके पास है फिनोल यहां पे ये यह जो ग्रुप ले रही हूं मैं ऑयल क्लोराइड का लेटेस्ट टेक इट एज क्लोराइड अब यहां पे जो होगा यही ग्रुप लगता है ना आपके पास फिनोक्साइड के साथ जैसे इसमें हुआ रिएक्शन ओ

रिएक्शन देखिए नेम रिएक्शंस तो मैंने आपको बताया है कि काफी इंपॉर्टेंट है सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज शॉर्ट रिएक्शन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ठीक है तो ये तो हो गई सारी रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड ए करेक्टर जो आपने शो करी अब हम कुछ रिंग रिएक्शन देख लेते हैं ठीक है तो बेंजीन रिंग कैसी रिएक्शन शो करता है वो देख लेते हैं तो अगर हम फिनोल की बात करें और बेंजीन के रिंग के रिएक्शंस देखे तो हमने ये देखा कि इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन क्या कारण है ये कारण है कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो अगर कोई <coughs> इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू अटैक ऑन दिस पोजिशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे क्या है ज़्यादा है तो पहला रिएक्शन हम करते हैं वेयर वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद ब्रोमीन मतलब हम करेंगे ब्रोमिनेशन अब देखिए जब आप ब्रोमिनेशन करते हैं तो मोस्टली जो हम बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन देखते हैं हमें इससे ट्राई सब्सिट्यूटेड कंपाउंड्स मिलते हैं बट अगर हम कोई स्पेसिफिक कंडीशंस में करें तो फिर हमें ऑर्थो एंड पैरा के आइसोमर्स मिलते हैं अदरवाइज वी गेट प्राइस सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड पर हमें एक स्पेशल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी तभी हमें वो आप कह सकते हो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स मिलेंगे तो so, पहला हम कर रहे हैं विद ब्रोमीन सो लेटेस्ट टेक फिनोल ये आपके पास हो गया फिनोल हम इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं आई टोल्ड यू नॉर्मल कंडीशंस ले रहे हैं तो हमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड मिलेगा सो वॉट वी विल गेट और सारी ऑर्थो और, और पैरा पोजीशंस पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा एंड वी विल गेट टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनोल सो दिस इज द प्रोडक्ट बट अगर इस रिएक्शन को मैं स्पेशल कंडीशन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कर देती हूँ देन आई गेट द आइसोमर्स तो मुझे ऑर्थो और, और पैरा आइसोमर्स मिल जाते हैं तो कभी भी अगर आपको आइसोमर्स चाहिए तो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे करिए ठीक है अब जैसे ये आपके पास हो गया ऑर्थोप्रोमोफिनॉल ये आपके पास हो गया पैरा प्रोमोफिनोल ठीक है ऐसे ही और रिएक्शन कर लेते हैं लेट अस कैरी आउट नाउ दी नाइट्रेशन अब हम इसकी कर रहे हैं नाइट्रेशन आपको है नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमने लिया फिनोल हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री नॉर्मल कंडीशन ट्राई या ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स ऑब्वियसली ट्राई सब्सिट्यूटेड मैंने आपको बताया नॉर्मल पे हमारे पास ट्राई सब्सिट्यूटेड ग्रुप कंपाउंड बनता है तो क्या नाम हुआ इसका टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल और कॉमन नेम जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको इसका कॉमन नेम बताया था इज पिक्रिक एसिड प्लीज कंपाउंड का नाम अच्छे से आपको आना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने जाते जाने जाते हैं हम डायल्यूट एच एन ओ थ्री ले लेते हैं देन वट डू वी गेट ऑब्वियसली वी गेट दईस्यूमर्स ऑर्थो और पैरा आइसुमर्स मिल जाते हैं आपको ठीक है सो यू गेट This. अब नेक्स्ट रिएक्शन ऐसे ही हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्सिट्यूशन रिएक्शन डेट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो सब्सिट्यूट करता है वो होता है अल्काइल ग्रुप तो ले लेते हैं फिनोल यहाँ पे मैं ले रही हूं मिथाइल क्लोराइड स्पेशल कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड तो ऑब्वियसली आपको ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स मिलते हैं स्पेशल कंडीशन पे तो ये आपके पास एक तो ऑर्थो आइसोमर हो गया और एक आपके पास पैरा पे आइसोमर बन गया क्या नाम है इसका रिकॉल कर पा रहे हो आप इसको ये भी हमने डिस्कस किया था जब पिक्रिक एसिड किया था दिस इज ऑर्थो क्रिसोल एंड दिस इज पैरा क्रिसोल ठीक है तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं एक और रिएक्शन मेरे ध्यान में आ रही है वो भी कर लेते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन जहाँ पे आपको पता है SO3H थ्री एच ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे हमने फिनोल ले लिया आपको पता यहाँ हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं सल्फोनेशन में और यहाँ पे हमने स्पेशल कंडीशंस लगाई कि जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 288 एटी एट टू टू नाइन्टी और हमारे पास क्या हो गए ऑर्थो एंड और पैरा आइसोमर्स तो एक आपके पास ये बन गया और एक आपके पास पैरा आइसोमर आ गया ठीक है लेकिन अगर आप सेम रिएक्शन को सिर्फ 273 सेवेंटी पे करते तो हमें सिर्फ पैरा आइसोमर मिलता है we'll इसका, इस कंपाउंड का बताओ दिस इज टू हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिख देती हूं मैं यहां दिस इज टू हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज वन टू थ्री फोर फोर हाइड्रॉक्सी बेन्जीन सल्फोनिक एसिड और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है फोर हाइड्रॉक्सी बेनजीन सल्फोनिक एसिड सो आई थिंक यू गॉट इट तो ये थी हमारी फिजिकल सॉरी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनोल की ठीक है जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है सो वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीट विद केमिकल प्रॉपर्टीज और अल्कोहल फिनोल जस्ट लेफ्ट विद विद फ्यू इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू